गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एनुअल कोर्स। सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर 10। बाय मिस्टेक यहाँ पर 9 लिखा है, सो आप इसको कट करके चैप्टर 10 राइट करेंगे। एंड द चैप्टर नेम इज आवर नेबर्स। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, मीन्स हमारे पड़ोसी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर नेबरहुड एंड नेबर्स। इस चैप्टर में हम नेबरहुड मीन्स पड़ोस और पड़ोसियों की जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, हमारी जीवन में, उसको भी उसके बारे में जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी लिव विद आवर पेरेंट्स इन आवर हाउस। हम अपने पेरेंट्स मीन्स माता पिता के साथ अपने घर में रहते हैं। अ फैमिली लिव्स इन अ होम। एक परिवार घर में रहता है। सिमिलरली मैनी फैमिलीज लिव नियर आवर हाउस एंड मेक अ लोकेलिटी एंड अ मेक आवर नेबरहुड। सिमिलरली मीन्स समानता, एक से कई फैमिलीज, कई परिवार हमारे घर के आसपास रहते हैं, जो एक इलाका बनाते हैं, या हम कह सकते हैं हमारा नेबरहुड मीन्स पड़ोस बनाते हैं। सो अ नेबरहुड इज़ लाइक अ बिग फैमिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पड़ोस होता है वह एक बड़ा परिवार होता है। पीपल्स हु लिव इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स एंड दे हेल्प ईच अदर। पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड मीन्स जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं, मीन्स पड़ोसी कहते हैं, और वे हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ऑल द हाउसेज एंड फैमिलीज मेक अ नेबरहुड। सारे घर और परिवार मिलकर एक पड़ोस बनाते हैं। इट इज़ लाइक अ बिग फैमिली। यह एक बड़े परिवार की तरह होता है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प ईच अदर। परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सिमिलरली नेबर्स हेल्प ईच अदर। इसी प्रकार नेबर्स जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी शुड ऑल्सो हेल्प आवर नेबर्स। हमें भी अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। मीट चिराग, चिराग से मिलिए। अंकुर नेहा, चिराग अंकुर और नेहा से मिलिए। दे आर टेलिंग अस हाउ दे हेल्प देयर नेबर्स। ये हमें बता रहे हैं वो किस प्रकार अपने पड़ोसियों की हेल्प करते हैं। वी लव आवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। वी मेक फ्रेंड्स विद आवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोस में जो पड़ोसी होते हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए। चिल्ड्रंस एंड प्ले विद देम। जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना चाहिए। समटाइम्स आवर पेरेंट्स विजिट आवर नेबर्स टू आस्क अबाउट देयर वेलबींग्स। कभी कभी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो पड़ोस में जाते हैं अपने पड़ोसियों की हाल जानने के लिए। ही शुड रेस्पेक्ट ऑल द एल्डरली पीपुल्स लिविंग इन आवर नेबरहुड। वे हमेशा जो रेस्पेक्ट करते हैं, जो उनसे बड़े जो लोग होते हैं उनके पड़ोस में, उनकी वो हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं, मीन सम्मान करते हैं। We celebrate all the festivals and ceremonies together, like birthday of a baby, wedding, etc. हम सभी जो festivals होते हैं, ये जो ceremonies होती हैं, समारोह होते हैं, उन जैसे कि birthday party है, baby की birthday party है, wedding है, शादी है, उसको celebrate करते हैं। We invite our neighbors on birthday parties. हम अपनी पड़ोसियों को birthday, जन्मदिन की party में बुलाते हैं। चिल्ड्रन वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर नेबरहुड क्लीन। बच्चों हमें हमेशा अपने जो आसपास की जो जगह है, जो पड़ोस है, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। वी शुड नेवर स्पॉयल द प्लांट्स और कट डाउन ट्रीज अराउंड आवर नेबरहुड। हमें जो हमारे आसपास जो प्लांट लगे होते हैं उन्हें स्पॉयल नहीं करना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए जो कि हमारे पड़ोस में होते हैं। नाउ वी लर्न क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नेबर्स। अब हम कुछ जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं नेबर्स की उसके बारे में जानेंगे। नेबर्स हेल्प वन अदर। नेबर्स जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेबर्स पार्टिसिपेट इन फंक्शंस लाइक वेडिंग फेस्टिवल। नेबर्स पड़ोसी फंक्शंस में, जैसे कि शादी है, फेस्टिवल्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मीन सम्मिलित होते हैं। आवर नेबर्स हेल्प अस व्हेन वी आर इन नीड। हमारे पड़ोसी हमारी हेल्प करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। नेबर्स शेयर देयर जॉय एंड शोरो विद ईच अदर। नेबर्स जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे की खुशी और जॉय मीन्स खुशी और शोरो दुख में एक साथ होते हैं।
नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ए फिलिंग द ब्लैंक्स. यहाँ पर आपको राइट वर्ड को फिल करना है. फर्स्ट, अ फैमिली डज नॉट लिव अलोन. एक परिवार अकेले नहीं रह सकता है. सेकंड, द फैमिलीज विच लिव नियर बाई इज अ हाउस मेक नेबरहुड. थर्ड, व्हेन वी आर इन नीड आवर नेबर्स हेल्प अस. फोर, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द एल्डरली पीपल लिविंग इन आवर नेबरहुड. नाउ बी राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. मीन्स जो स्टेटमेंट सही है उस पर आपको टी लिखना है और जो गलत है फॉल्स है उस पर आपको एफ लिखना है. फर्स्ट, द फैमिलीज दैट लिव नियर आवर हाउसेज आर कॉल्ड नेबर्स. जो फैमिलीज हमारे घर के आसपास रहती हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं. इट्स फॉल्स राइट हियर एफ. सेकेंड, वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन. हमें हमारे पड़ोस को साफ रखना चाहिए. इट इज़ राइट टू राइट हियर टी. थर्ड, अ नेबरहुड इज लाइक अ स्मॉल फैमिली. एक नेबर जो हुड होता है, पड़ोस जो होता है, वो एक छोटा परिवार होता है. इट इज़ रॉन्ग टू राइट हियर एफ. फोर्थ, वी शुड बी फ्रेंडली विद आवर नेबर्स. हमें हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए. सो राइट हियर टी. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर वन, हु आर नेबर्स. पड़ोसी कौन होते हैं. आंसर, पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स. जो व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहते हैं वे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द नेबरहुड. पड़ोस क्या है. आंसर, द एरिया विद मैनी हाउसेज क्लोज टू वन अनदर मेक अप अ नेबरहुड. एक एरिया जिसमें कई घर एक दूसरे के आसपास होते हैं वो एक नेबरहुड, एक पड़ोस बनाता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डू यू हेल्प योर नेबर्स. आप अपने नेबर्स की, पड़ोसियों की किस प्रकार हेल्प करते हैं. आंसर, वी कैन हेल्प आवर नेबर्स व्हेन दे आर इन नीड. हम अपने पड़ोसियों की हेल्प करते हैं जब वे उनको ज़रूरत होती है. क्वेश्चन नंबर फोर, राइट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नेबर्स. कुछ क्वालिटीज़ लिखेंगे अच्छे पड़ोस की. आंसर, सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नेबर्स आर, फर्स्ट, नेबर्स हेल्प वन अनदर. नेबर्स पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं. सेकंड, नेबर्स शेयर देयर जॉय एंड सोरो विद ईच अदर. नेबर्स पड़ोसी एक दूसरे से अपने सुख और दुख को शेयर करते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. की प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर ऑन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो. थैंक यू.